दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर रियलिटी। दोस्तों, सुनील ग्रोवर और बाकी को स्टार्स के साथ बदसलूकी और मारपीट करने के बाद कपिल शर्मा के सितारे गर्दिश में चले गए हैं। जहां एक और उनके शो की टीआरपी लगातार गिरती जा रही है, वहीं अब उनके लिए इससे भी बुरी खबर आ गई है। सूत्रों की माने तो कपिल शर्मा को उनके बुरे बर्ताव का फल मिल रहा है। बताया जा रहा है कि कपिल का शो अब जल्द ही बंद हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बॉलीवुड के सुपरस्टार दबंग खान ने छोटे पर्दे पर बिग बॉस के जरिए अपना एक दबदबा कायम करके रखा हुआ है, जिसका अगला सीजन आने में अभी थोड़ा वक्त है। लेकिन इसी बीच वो अपना दम दिखाने के लिए छोटे पर्दे पर आ रहे हैं। एक बार फिर सलमान खान नए शो के साथ छोटे पर्दे पर दस्तक देंगे। ये शो होगा 10 का दम, जिसे पहले भी सलमान खान होस्ट कर चुके हैं। दोस्तों, खबरों की माने तो यही शो कपिल के शो को रिप्लेस करेगा। डील हो गई तो ये शो जुलाई से टेलीकास्ट हो सकता है। हालांकि ऑफिशियली इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। दोस्तों बता दें कि सलमान खान 10 का दम के पहले दो सीजन 2008 और 2009 में भी होस्ट कर चुके हैं। खास बात यह है कि सलमान खान दर्शकों के साथ एक खास कनेक्शन के साथ काम करते हैं, जो दर्शकों को बहुत पसंद आता है। दोस्तों, कपिल शर्मा शो की गिरती टीआरपी के कारण चैनल ने इस कॉमेडी शो का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि कपिल का शो जल्द ही बंद हो जाएगा। सुनील ग्रोवर और अली असगर के शो छोड़ने के बाद से चैनल और कपिल शर्मा के बीच में वैसे काफी तनाव आ चुका है। इन सब बातों को देखते हुए लगता है कि चैनल ने सलमान खान पर दाव लगाने का अपना फैसला जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। डीएनए की खबर के मुताबिक सलमान का शो 10 का दम जुलाई में शुरू किया जा सकता है और वो कपिल शर्मा शो के समय पर टेलीकास्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये देखना दिलचस्प रहेगा कि 8 साल के बाद सलमान खान 10 का दम शो से कितना बड़ा धमाका करते हैं। दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।